भगवान ने कहा, तब वह बलि धीरे से कहा, विभे मिना हम निर्यात पदच्युतो नापास बंधा दसना दुरत्यात नैवार्थ कृच्छात भवतो विनिग्रहात असाधुवादात दृश्मुद्दुजे यथा। राजा बलि कहने लगा कि हे प्रभु, हमारा यह संपूर्ण राज्य चला गया, इसका हमको कोई दुख नहीं है, इसका कोई दुख नहीं है, आपके पार्षदों ने हमको वरुण पास में बांध दिया, इसका भी कोई दुख नहीं हो रहा है, कहा हम नरक चले जाएंगे, इसका भी कोई दुख नहीं है, नरक जाने का कोई दुख नहीं हो रहा है, कहा दुख तो केवल एक हो रहा है। क्या दुख हो रहा है कि हम ब्राह्मण को कह करके दे नहीं पाए, ये हमारे कुल में कलंक लग गया, हम अपने कुल में कलंक लगाने वाले पैदा हो गए, बस यही बात का दुख हो रहा है कि हमारे कुल में हमने कलंक लगा दिया, ब्राह्मण को कह करके और दे नहीं पाए। जब इस तरह से कहा, भगवान ने देखा अभी भी ये विचलित नहीं हो रहा है, तब भगवान मुस्कुराए, हम मुस्कुराते ही उसके ज्ञान आ गया, भगवान की मुस्कुराहट में माया रहती, मानो माया ने लक्ष्मी ने कृपा किया जो है बलि पर, और उसे बोध हुआ, उसने कहा प्रभु एक बात तो बताओ। कहा क्या? कहा धन और धनी अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? तो भगवान ने कहा धन अलग होता है, धनी अलग होता है, धनी का धन होता है। तो बलि ने कहा प्रभु अभी तो आपने हमारा राज्य नापा है ना, हम तो बाकी हैं, हम तो बाकी हैं, पदम तृतीयम पुरुषेष्णी में निजम। कहा ये प्रभु कृपा करो और कृपा करके ये अपने चरण को हमारे सिर पर रख दो, तीसरे पग से मुझे नाप लो। भगवान ने कहा ठीक है, वो पास में बंधा ही था, भगवान ने अपना चरण उठाया और उठा करके उसके सिर पर रख दिया। कहते हैं जैसे सिर पर रखा, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, ब्रह्मा भगवान शिव सारे देवता कहने लगे ओहो ये क्या हो गया। विचार करिए जरा, शिव बिरंच जहि ध्यान न पावा, ब्रह्मा भगवान शिव देवताओं की तो बात ही छोड़ो, बड़े बड़े योगी भी ध्यान में जिनके चरण रज को बड़ी मुश्किल से ला पाते हैं, आज वही चरण राजा बलि के सिर पर, अब वो भी स्वयं अपने हाथों से, स्वयं अपने इच्छा से सिर पर रख दिया। तो कहते हैं आज बलि के समान तीनों लोकों में कोई नहीं, सारे के सारे जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान ने ये क्या कर दिया। ब्रह्मा जी वहीं आ गए, भगवान शिव भी वहीं आ गए, और आकर के ब्रह्मा जी कहते हैं यद पादयो रसटधी सलिलम प्रदाय दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम अत्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दास्वान विक्लव मना कथमार्तिमिच्छेत। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, यदि कोई आपके चरणों में दूर्वा चढ़ा देता है, तुलसी चढ़ा देता है, जल चढ़ा देता है, तो उसको तो आप वैकुंठ दे देते हैं, इसने तो अपना संपूर्ण राज्य दे दिया, अब बिना किसी विक्लव के कोई दुख नहीं हुआ इसको, और इतने ही नहीं अपने आप को दे दिया इसने, अब बदले में दोगे क्या, क्या दोगे? भगवान ने कहा इसको पास से खोल दो, पास से खोल दिया गया। तब तक प्रहलाद जी भी पहुंच गए, और प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में लोट करके ये बात कहा, प्रभु आज हमारा जीवन धन्य हो गया,
क्यों? प्रहलाद जी को लगा कि हमसे आगे हमारा पौत्र चला गया, हमसे आगे हमारा पौत्र चला गया, इसने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया। कहने लगे आज हमारा जीवन धन्य हो गया, असुर कुल पवित्र हो गया। अब भगवान को लगा इसको दें क्या हम। भगवान ने कहा राजा बलि से कि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। देवता घबरा गए कि कहीं फिर से ये स्वर्ग ना मांग ले। लेकिन जब बलि से भगवान ने कहा बलि तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो हम दे देंगे, तो बलि ने कहा प्रभु हम देना जानते हैं लेना नहीं जानते, हमारा हाथ सदा ऐसे रहा, ऐसे हुआ ही नहीं कभी, बदले में कुछ नहीं चाहिए हमको। अब भगवान को बड़ा मन में होने लगा कि अब हम करें क्या, बदले में क्या दे इसको। बार बार कहने लगे लेकिन उसने जब नहीं मांगा तब भगवान ने बलि से कहा कि अच्छा एक कार्य करो। कहा क्या? कहा तुम सुतल लोक को चले जाओ। तो उसने कहा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तैयार हो गया सुतल लोक जाने को, लेकिन मन भगवान का अभी भी हो रहा था कि बदले में कुछ दिया नहीं इसको। तब प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद तुम इस बलि को कहो कुछ मांग ले हमसे। प्रहलाद ने आदेश दिया कि बलि कुछ तू मांग ले, भगवान के संतोष के लिए कुछ मांग ले। जब बार बार प्रहलाद ने कहा तब बलि ने मांगा। क्या मांगा? बलि ने कहा प्रभु सुतल लोक का जो राजमहल है उसमें 52 दरवाजा है। कितने दरवाजा? 52 दरवाजा है उस किले में। तो हमारी यह इच्छा है कि हम जिस भी दरवाजे से निकले आपका दर्शन हो हमको। भगवान मुस्कुरा करके कहा तो हमको चौकीदार बनाना चाहता है, अब दरवाजे पे किसका दर्शन होगा? चौकीदार का। भगवान ने स्वीकार कर लिया ठीक है ऐसा ही होगा। भगवान राजा बलि के यहां सुतल लोक चले गए और प्रत्येक दरवाजे पर भगवान खड़े रहते हैं हमेशा। पता नहीं कब किस दरवाजे से वो निकल पड़े, भगवान खड़े रहते हैं। इधर भगवती लक्ष्मी को वैकुंठ में अकेले रहते बहुत दिन व्यतीत हो गया। लक्ष्मी जी अकेले रहते बड़ी दुखी होने लगी। एक दिन देवर्षि नारद वैकुंठ गए तो लक्ष्मी जी से कहा आओ हम तुम्हारे पति का दर्शन कराते। लक्ष्मी जी ने कहा कराओ। देवर्षि नारद ने दिखाया कि सुतल लोक में राज भवन देखो। देखा तो भगवान दरवाजे के पास खड़े हैं। लक्ष्मी ने सोचा अब इनको हम लाए कैसे। देखो केवल भगवान ने बलि के साथ छल नहीं किया, लक्ष्मी ने भी किया है छल। फिर लक्ष्मी जी ने एक साधारण सी स्त्री का भेष बनाया। अब भेष बना करके सुतल लोक चली गई जहां पर राजा बलि की सभा थी। उस सभा में पहुंच गई, उस समय सभा खाली पड़ी थी, कोई सभा में था नहीं। लक्ष्मी जी एक किनारे जाकर के चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद कहीं से राजा बलि आया। वो सभा में जब पहुंचा तो वहां तो कोई था नहीं, केवल एक स्त्री साधारण सी कोई स्त्री बैठी थी। बलि पहुंच गया उस स्त्री के पास और पहुंच करके वो बड़ा धर्मात्मा था राजा बलि, बड़े विनम्र होकर के पूछा आप कहां से आई हैं।
क्या पूछा, आप कहां से आई? तो लक्ष्मी जी ने छल पूर्वक कहा, क्या कहा, भैया पहचाने नहीं क्या? क्या कहा, भैया पहचाने नहीं क्या? तो बलि भी छल किया, छल दोनों तरफ से हुआ, लेकिन पहले लक्ष्मी की तरफ से हुआ। तो उसने कहा, नहीं नहीं बहन, पहचान तो गए हम, लेकिन हमारा मतलब अभी आप कहां से आई हैं, जबकि पहचान नहीं रहा था वो, लेकिन फिर भी कह दिया, नहीं नहीं बहन पहचान तो गए हम, लेकिन हमारा मतलब अभी आप कहां से आई हैं। तो लक्ष्मी ने फिर छल पूर्वक कहा, भैया वो रक्षाबंधन का त्योहार था ना, तो हमने सोचा जाए भैया को राखी बांध के आ जाए, तो हम राखी बांधने आई हैं। तो बलि ने हाथ आगे कर दिया, लो बहन बांध दो। लक्ष्मी ने अपने आंचल से एक सूत निकाला और निकाल करके बलि के हाथ में बांध दिया। आज भी ये ब्राह्मण लोग वही मंत्र पढ़ते हैं, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। जब बांध दिया तो आज भी वो परंपरा चल ही रही है कि जब बहन राखी बांधती तो भैया कुछ उसको देता है। तो बलि ने कहा, बहन तुम्हारा भाई समर्थ है, चिंता मत करना, तुम तो जो चाहे मांग लो, क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कुछ बोली नहीं, मानो सकुचा गई हो, नीचे सिर कर लिया और सिर करके नीचे अपने दाहिने पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। तब तक उसने फिर से कह दिया, कहा बहन संकोच मत करो, तुम तो जो इच्छा हो मांग लो, क्या देते हम? तब लक्ष्मी ने धीरे से कहा भैया ये तुम्हारे यहाँ जो चौकीदार है ना, इसी चौकीदार को दे दो। इतना कहते तो बलि पृथ्वी पर गिर गया, अचेत हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया जब बलि को, तब उसने कहा, बहन अब हम तुमको पहचान गए, अब हम तुमको पहचान गए, लेकिन दे दिया मैंने, दे दिया, भगवान से प्रार्थना किया कि आप जाइए। लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के वैकुंठ गई और उसके बाद उपेंद्र के पद पर भगवान का अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के बाद भगवान वैकुंठ में जो है लक्ष्मी के सहित निवास करने लगे। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। इसके बाद नवम स्कंद प्रारंभ होता है। कहते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं, शर्याति मानव राजा ब्रह्मिष्टा सा बभूवः यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीया महाऊचिवान। एक शर्याति नामक राजा थे जिनके यज्ञ में अश्वनी कुमारों को भाग दिया गया था। पहले अश्वनी कुमारों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था, क्यों, ये वैद्य का कार्य करते थे। राजा शर्याति ने जो है च्यवन ऋषि के साथ से अश्वनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिया। कथा बहुत प्रसिद्ध है, संक्षेप से हम कहेंगे। कहते हैं शर्याति राजा के एक पुत्री थी सुकन्या, बड़ी सुंदरी थी वो। एक बार राजा शर्याति उस कन्या को साथ लिए बहुत सारी सेना प्रजा लेकर के वन घूमने के लिए गए। एक जगह पड़ाव डाल दिया, सब घूम रहे थे। ये सुकन्या अपने सहेलियों के सहित घूमती हुई एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर दो ज्योति दिखाई पड़ी। ये कन्या उसमें 9 वर्ष की थी, कौतूहल बस उसने 2 कांटे लिए और उस ज्योति में चुभो दिया। कहते हैं जब कांटे चुभो दिया तो उसमें से रक्त बहने लगा। यह देख करके भयभीत हो गई, सखियों के सहित वहां से भाग गई। उधर जो वह बामी थी उसमें से च्यवन ऋषि बाहर निकले
अब वो वृद्ध तो थे ही, बहुत वृद्ध थे, आंखें और चली गई, तो उन्होंने कहा अब हमारा जीवन निर्वाह कैसे होगा। कहने लगे कि जिसने ये अपराध किया उसको हम दंड देंगे। तो इधर राजा सरयाती की जो सेना थी वो सारी की सारी बीमार पड़ गई। राजा सरयाती ने अपनी सेना से पूछा कि कहीं तुम लोगों ने किसी का अपराध महात्मा का तो नहीं किया, बीमार कैसे हो गए? तो सेना ने कहा हमसे तो अपराध नहीं हुआ, लेकिन ये कन्या भागती हुई उधर से आ रही थी, सुकन्या। सुकन्या से पूछा तो उसने कहा पिताजी हमसे अपराध हुआ है, वहां तो ज्योति दिखाई दे रही थी, हमने कांटे चुभ हो दिया, उसमें से रक्त बह रहा था। राजा सरयाती वहां गए तो देखा च्यवन ऋषि थे, उनकी आंखें फूट चुकी थी। उन्होंने क्षमा मांगा कि हमारी पुत्री से अपराध हो गया, लेकिन च्यवन ऋषि ने कहा ये तो ठीक है कि पुत्री से अपराध हो गया, लेकिन अब हमारा जीवन कैसे बीतेगा, हमारे नेत्र नहीं है, वृद्ध हम ही हैं। तो कहा, फिर कहा अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दो ताकि वो हमारी सेवा कर सके। यह सुनकर राजा सरयाती को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि वो 9 वर्ष के थी और च्यवन ऋषि बहुत वर्ष के थे, मानो 90 प्रतिशत आयु बीत चुकी थी, बहुत वृद्ध थे, हवा के अंधे और हो गए, निर्धन भी थे। लेकिन मंत्रियों ने समझाया ये क्रोधी स्वभाव के हैं, कहीं राज्य नष्ट ना कर लें, इसलिए पुत्री का विवाह कर दो। दुखी होकर के राजा सरयाती ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, चले गए वहां से। अब सुकन्या अपने पति च्यवन ऋषि की बड़ी सेवा करने लगी। देखिए पातिव्रत धर्म में कितना सामर्थ्य होता है। कुछ समय व्यतीत हुआ, अब वही लकड़ी लाती बेचती, वही जो मिलता उससे पति की सेवा करती। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक दिन वह पानी लेने के लिए जलाशय पर जा रही थी, उसी समय देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार वहां आए थे। उन्होंने जब उस कन्या को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, इतनी सुंदर कन्या तो कहा अप्सराओं में भी कोई नहीं, तुम हो कौन? तो सुकन्या ने बताया कि हम च्यवन ऋषि की धर्म पत्नी। तो कहा वो तो बूढ़े हैं, अंधे हैं, निर्धन है, तुम वहां क्यों रहती हो? तुमको तो किसी देवता के साथ विवाह करना चाहिए था। तो सुकन्या नाराज हो गई, कहा पुनः ऐसा मत बोलना, अन्यथा मैं श्राप दे करके नष्ट कर दूंगी तुमको। वो हमारे लिए पति हैं, देवता हैं, सर्वस्व हैं वो हमारे लिए। अश्वनी कुमार एक क्षण के लिए डर गए और उन्होंने कहा हम तुम्हारे पति को युवा बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त हमारी माननी पड़ेगी। कहा क्या? कहा हम तीनों एक साथ जलाशय से निकलेंगे, च्यवन ऋषि और हम दोनों भाई, और तुम जिसका हाथ पकड़ लोगी वही तुम्हारा पति होगा। सुकन्या ने कहा पहले हम अपने पति से ये बात पूछ ले। च्यवन ऋषि के पास जब गई बताया तो च्यवन ऋषि ने कहा स्वीकार कर लो। सुकन्या ने कहा ठीक है। च्यवन ऋषि को लेकर सुकन्या वहां पहुंची तो अश्वनी कुमारों ने कहा जो सरोवर था, कहा इसी में तुम च्यवन ऋषि से कहा स्नान करो। जैसे च्यवन ऋषि ने उसमें डुबकी लगाई वो दोनों भाई उसी में कूद गए और तीनों एक साथ निकले, एक जैसा रूप, एक जैसा वस्त्र, एक जैसी बोली, सारा का सारा एक जैसी अवस्था, सारा का सारा एक जैसा हो गया। अब अश्वनी कुमारों ने कहा कि हम तीनों में तुम एक का हाथ पकड़ लो। सुकन्या ने सोचा अब किसका हाथ पकड़े, कहीं ऐसा ना हो कि पति के अतिरिक्त दूसरे का पकड़ा जाए हाथ तो पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। उसने एक क्षण पराम्बा का ध्यान किया और ध्यान करके कि यदि हम
पतिव्रता है तो हमारे पति अलग दिखाई दे। ऐसा कहते ही च्यवन ऋषि एक क्षण के लिए फिर वृद्ध दिखाई पड़ गए उसको, और उसने जाकर के हाथ पकड़ लिया च्यवन ऋषि का। अश्वनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, कहा हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे पातिव्रत धर्म का। और च्यवन ऋषि युवा हो गए, 16 वर्ष के हो गए, उनकी आंखें आ गई, कहते इंद्र के समान संपत्ति उनको मिली थी। उसके बाद च्यवन ऋषि वहां के साथ सुकन्या रहने लगी। एक बात बताएं हम, पातिव्रत धर्म में बड़ा सामर्थ्य हमारे यहां, इससे बढ़कर के शास्त्रों में और कोई तप नहीं। सबसे बड़ा तप पातिव्रत धर्म का तप। बोलो कर्ण चंद्र भगवान की। हे बच्चों ये फूल यहां मत तोड़ो, तुम बात करोगे हमारा ध्यान उधर जाएगा, पीछे ले जाओ। तुम्हारे साथ में चार और खड़े होंगे, ले जाओ पीछे से। बोलो कर्ण चंद्र भगवान की। महाभारत में एक कथा आई है, प्रसिद्ध कथा, सब लोग जानते हैं। एक ऋषि थे जाजल ऋषि, समुद्र में खड़े होकर के उन्होंने बड़ा कठिन तप किया। ये सिर के बालों की बड़ी बड़ी जटाएं बन गई और वह इतने तप में तल्लीन हो गए कि पक्षी ने आकर के उनके सिर में जटाओं में घोंसला बना लिया, अंडे दिया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए और उड़ गए, लेकिन उनको पता भी नहीं चला इतना तप में तल्लीन हुए। इतनी बड़ी तपस्या रही होगी उनकी। कहते हैं जब इस तरह से उन्होंने तप किया, तपस्या जब पूर्ण हुई, बाहर निकले समुद्र से, तो कहते हैं उसी समय एक कौवा ऊपर से उड़ रहा था और उसने बीट कर दिया उनके ऊपर। जैसे बीट किया उन्होंने ऊपर को देखा, कौवा पर दृष्टि पड़ते ही वो कौवा जल करके राख हो गया, इतना आंखों में तेज था। अब महात्मा को थोड़ा अहम भाव भी आया कि हम बहुत तपस्वी, देखो हमारे दृष्टि पड़ते ये कौवा जल करके राख हो गया। अब वो महात्मा वहां से जो है भिक्षा मांगने के लिए, अब बहुत दिन तप में रहे, बाहर निकले तो भूख लगी, भिक्षा मांगने के लिए गांव गए। एक गृहस्थ के घर आवाज लगाई, ब्राह्मण का घर था, नारायण हरि, दरवाजा खुला था, सामने से उन्होंने आवाज लगाई। अंदर देखा तो कोई एक पुरुष सो रहा था और एक स्त्री उसका चरण दबा रही थी। वह स्त्री ने कहा रुको बाबा, अभी हम पति की सेवा करके आपको भिक्षा देंगे। अब उनको थोड़ा अपने तप का अभिमान था, थोड़ी तिरछी चितवन से देखा, क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर। जब क्रोध भरी दृष्टि से देखा तो उस स्त्री ने कहा कि हम वो कौवा नहीं है कि जिसको आपने देखा वो जल करके भस्म हो गया। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसको कैसे पता चला कि अभी हमने देखा था कौवा जल के भस्म हो गया। अब वो सोचने लगे कि इसको पता कैसे चला। तब तक वो स्त्री ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के पश्चिम की दिशा में फेंका। जब फेंका तो महात्मा ने कहा ये क्या किया तुमने, तो कहा यहां से 12 कोस दूरी पर हमारी बहन का घर है, उसके घर में आग लग गई है, गांव के सारे लोग बुझाने का प्रयास कर रहे थे, नहीं बुझ रहा था, तो हमने सोचा हम बुझा दें। महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ, चुल्लू भर जल और यहां से अब 12 कोस दूर आग बुझा दिया गया, गांव भर नहीं बुझा पा रहे।
महात्मा जाजल ऋषि वहां से जो है उस गांव का नाम पूछे, उस गांव चले गए पता करने। जब वहां गए तो बहुत हजारों लोग इकट्ठा थे, एक घर में आग लगी तो थी लेकिन बुझ चुकी थी। तो पूछा बात क्या है भैया, ये आग कैसे लग गई? कहे ये महाराज पता नहीं कैसे आग लग गई। तो कहा बुझी कैसे? कहा हम पूरा गांव बुझा रहे थे लेकिन बुझी नहीं आग। फिर इधर पूरब की दिशा से एक जल का फव्वारा आया, उसमें सारा का सारा आग बुझा दिया। ये भगवान की कृपा से हुआ। उनको पता नहीं कि इसकी बहन ने फेंका, कहा गांव वाले कह रहे भगवान की कृपा से बुझ गई। महात्मा लेकिन समझ गया कि उसी के जल से ये बुझ गई आग। अब उसे और आश्चर्य हुआ, ये बात है क्या। लौट के फिर उसी स्त्री के पास वो आ गए। वो अब पंखा जल रही थी पति को, पति सो रहे थे। अब लौट करके फिर वहां पहुंचे, अब जो है वहीं खड़े हो गए। सोचा कि यह भिक्षा भी नहीं दे रही हमको जो है। तब तक उसने एक घटना और घटी। एक छोटा सा बालक था, लगभग एक डेढ़ वर्ष का, मतलब ये बेकैया चलता था, उछल वैसे चलता था वो। तो वो खेलता हुआ बालक, ब्राह्मण का घर तो था ही, अग्नि का कुंड था, दहक रहा था अग्नि का कुंड। वो अग्नि कुंड की तरफ बालक जाने लगा। ऋषि चिल्ला पड़े, अरे बचाओ बचाओ, पकड़ो पकड़ो। लेकिन वो स्त्री पंखा झलना नहीं छोड़ा। अब तब तक बालक उस कुंड में गिर गया, अग्नि कुंड में। महात्मा घबरा गए, चिल्ला पड़े और दौड़ करके उस बालक को निकालना चाहा अग्नि कुंड से। जैसे हाथ डाला तो देखा कि वो अग्नि तो चंदन से ज्यादा शीतल। बालक का एक बाल भी नहीं जला, कहीं बिल्कुल भी जला नहीं बालक। और जब उन हाथ डाल के कुंड से निकालने लगे, अग्नि दहक रही थी, तो उनको भी वो अग्नि शीतल प्रतीत हुई, मतलब चंदन से भी ज्यादा शीतल प्रतीत हुई। अब महात्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये हाय क्या, ये अग्नि कैसे अपना स्वभाव बदल दिया, ये कैसे हो रहा है। लौट के बालक को तो निकाल दिया उन्होंने, लेकिन फिर उस स्त्री से पूछा, देवी अब एक बात बताओ तुम कि ये सारा का सारा कार्य तुमने किया कैसे, कौन सा तब किया? हम तो समुद्र में खड़े होकर के तब किया इतना ज्यादा, फिर भी ये कार्य नहीं कर सकते, और तुमने कौन सा तब किया वो बता दो। तो स्त्री ने कहा हमारा तप यही है जो आप देख रहे हैं। कौन सा तप? पति की सेवा। एक ही धर्म एक व्रत नियमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेम। एक धर्म एक नियम। अगर जो है ना कोई स्त्रियों के लिए व्रत ना उपवास ना कोई पूजा, अगर वह पति की सेवा जो है छल कपड़ छोड़ के करते हैं, तो संसार की कोई चीज दुर्लभ नहीं, स्वर्ग दुर्लभ नहीं, वैकुंठ उनके लिए दुर्लभ नहीं। अच्छा, कई लोग एक बात कहते हैं, कई माताएं कई देती हैं ऐसे कि अगर वो पीते हो तब, जुआ खेलते हो तब, हाँ ऐसे भी कई बार कहती है माताएं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जितने दुर्गुण हैं वो सारे पति में हो, पीना तो छोड़ो, जितने दुर्गुण हो हैं सारे उसमें हो। लेकिन अगर पत्नी उनकी सेवा करती है तो पत्नी को फल मिलेगा, वो स्वर्ग वैकुंठ जा सकती है। वो जो कर्म कर रहा है उसका फल तो उसको मिलेगा, लेकिन पत्नी को पति की सेवा का पूरा फल मिलेगा, उसमें संशय नहीं। और एक बात और बता दें, ये पुरुष लोग ऐसा ना समझें कि हमारे लिए कोई नियम नहीं। हाँ नहीं, माताएं कहेंगे कि हमको कहा इनको कहा नहीं। तुलसीदास जी ने दोनों के लिए कहा, पति व्रता हो वही सब नारी, और पुरुष हो या पत्नी व्रत हारी।
दोनों के लिए नियम बताया। मनु जी ने तो यहां तक लिख दिया, कहा नार्याः यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती उस घर में देवता रमण करते हैं, लक्ष्मी निवास करती हैं, और जिस घर में इनका अपमान किया जाता है वहां पर दरिद्रा देवी का निवास होता है, कलह का निवास होता है। तो घर में माताओं का भी सम्मान होना चाहिए, इनकी पूजा होनी चाहिए। अच्छा एक बात आप लोग बताओ, इस पृथ्वी पर पुरुष के लिए सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? एक क्षण में बोलना है, एक क्षण में बताओ सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है पुरुष के लिए? किसी को नहीं बताया तो सबको पता है, हाँ? बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। देखो हम बता दे रहा हूं और नोट कर लेना इसको। मनु जी ने लिखा है नास्ति भार्या समम तीर्थम, पत्नी के समान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई तीर्थ पुरुष के लिए नहीं। हाँ अगर अगर ये पत्नी चाहे तो आपको स्वर्ग भेज सकती है, ये चाहे वैकुंठ भेज सकती हैं, और चाहे तो नरक में भी डाल सकती हैं, इनमें बड़ा सामर्थ्य होता है। तो एक बात बताओ आज से इनकी पूजा होगी कि नहीं होगी? अरे कुछ नहीं, एक दो अगरबत्ती और एक घी की बस, ओम जय पत्नी देवी, बस हमारा भाव यह है कि इनका घर में सम्मान होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है विद्या समस्ता तौ देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत सुख। कहते हैं इस पृथ्वी पर जितनी विद्याएं हैं वह भगवती का ही भेद है, स्वरूप है, और इस पृथ्वी पर जितनी स्त्रियां हैं वह सब भगवती पराम्बा का ही स्वरूप है, ऐसा मान करके उनका सम्मान होना चाहिए। अगर उनका घर में सम्मान होगा तो लक्ष्मी का निवास होगा, तो माताओं का भी सम्मान होना चाहिए। हम केवल यही बात कहना चाहते हैं। तो इस तरह से फिर सेवन ऋषि युवा हो गए, बड़े देखने में सुंदर हो गए। कहते हैं बहुत काल के बाद राजा सरयाती ने मन में सोचा पुत्री को देखने जाएं। एक बार वह जंगल गए तो देखा च्यवन ऋषि सो रहे हैं और सुकन्या उनका चरण दबा रही है। यह देखकर राजा सरयाती अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि एक युवा का हमारी पुत्री चरण दबा रही है, देखते ही नाराज हो गए। अरे पुत्री तुमने तो हमारे कुल में कलंक लगा दिया, ये क्या कर दिया तुमने? एक बूढ़े ऋषि का त्याग करके ये क्या कर रही है? तो हाथ जोड़ के कहा पिताजी ये आपके जामाता च्यवन ऋषि हैं। कहा मैं जानता हूं च्यवन ऋषि वृद्ध थे, उनके नेत्र नहीं थे और तुमने उनके साथ छल किया। तो पुत्री ने पुनः वही बात कही कि नहीं है आपके जामाता हैं, सारी बात बता दी, लेकिन सरयाती मानने को राजी नहीं हुए। तब सुकन्या ने अश्वनी कुमारों से कहा आकर के तुम साक्षी बनो। उस समय अश्वनी कुमार आए और आकर के राजा सरयाती को बताए कि हमारी कृपा से ये युवा हो गए हैं, यह च्यवन ऋषि और ये सुकन्या पतिव्रता है। यह सुन करके जो है राजा सरयाती बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा यज्ञ में तुमको भाग देंगे। पुनः एक यज्ञ किया राजा सरयाती और उसमें भाग देने के लिए बुलाया अश्वनी कुमारों को। जब भाग उनका निकाला तो इंद्र क्रोधित होकर के वज्र से मारना चाहा। जब मारना चाहा तो च्यवन ऋषि बड़े तपस्वी थे, उन्होंने अपने तप के बल से उनका हाथ स्तंभित कर दिया। वज्र के सहित इंद्र लज्जित हुए और क्षमा मात के स्वर्ग चले गए और उस यज्ञ में अश्वनी कुमारों को भाग दिया गया।
तब से अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग मिलने लगा। इसके बाद राजा अम्बरीश हुए। अब थोड़ी कथाओं को संक्षेप करना चाह रहा हूं। अम्बरीश की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। अम्बरीश जी प्रायः एक बात कहा करते थे, बड़े ध्यान से सुने, क्या कहते थे? सावई मना कृष्ण पदार बिंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने अकरौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। अम्बरीश जी प्रायः यह बात कहते थे कि सावई मना कृष्ण पदार बिंदयो हो, मन तो वही है जो भगवान के चरणों में रमण करता हो, वाणी वही है जो भगवान के दिव्य चरित्रों का गान करती हो, भगवान के नाम का संकीर्तन करती हो। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो, हाथ वही उत्तम है कहा जिसके द्वारा भगवान की पूजा की जाती हो, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाया जाता हो कहा वही हाथ पवित्र है। श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय, कहा ये कान भी वही सार्थक है जिनके द्वारा भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया जाए। अमुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद्भृत गात्र अस्पर्शे अंग संगमम। कहते हैं नेत्र वही पवित्र है, वही उत्तम है, वही नेत्र सार्थक है। कहा कौन सा? कहा जिन नेत्रों से भगवान के सुंदर रूप निहारा जाए। अगर भगवान के रूप को नहीं निहारते तो वास्तव में ये नेत्र नेत्र नहीं। कहते हैं नेत्र कौन है? जिससे भगवान का दर्शन किया जाए। अब कल हमने दर्शन की बात बता दिया, कैसे दर्शन करना है। आप मंदिर में गए, बहुत छोटी बात गए, मंदिर में गए, अब विग्रह में एक बार भगवान का स्वरूप आपके सामने आ गया, आंखों के एक झलक आ गई, बात नहीं पकड़ में आई अभी। जो मंदिर में है वो तो है ही, लेकिन भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है यदि एक झलक आपके सामने आ गई तो समझ लो कि दर्शन हो गए। और यदि वो एक झलक भगवान के स्वरूप का आपके सामने नहीं आया तो समझो कि दर्शन नहीं हो। एक बार यही बात हमने शास्त्री स्वामी के सामने कही दी तो उन्होंने कहा ये दर्शन नहीं है। तो हमने कहा फिर क्या दर्शन है? अब शास्त्री स्वामी के शब्द कह रहा हूं, कहा भगवान का स्वरूप यदि एक झलक आ जाए तो वो दर्शन नहीं। कहा दर्शन तो वो है कि राधा के स्वरूप में कृष्ण की झलक आ जाए और कृष्ण के स्वरूप में राधा की झलक आ जाए, तब समझ लो कि दर्शन हो गया। तो हम बोले नहीं, हंसने लगे, तो उन्होंने फिर एक श्लोक बोला शास्त्री स्वामी प्रमाण के लिए, कहा एक तत्वम दुधा भूत्वा राधा माधव संगकम। कहा एक ही तत्व है और वही तत्व दो रूपों में हो जाता है, एक राधा हो जाता है और एक माधव हो जाता है। लेकिन ये मत समझ लेना कि शास्त्री स्वामी का वाक्य बोल रहा हूं, जो वो कहते थे वही बात हम दोहरा रहा हूं। तो वो उन्होंने कहा ये मत समझ लेना कि ये राधा है ये माधव है, ऐसा नहीं है। राधा कभी श्याम, कभी श्याम कभी राधा, कभी राधा जी श्याम हो जाती हैं और कभी श्याम राधा हो जाते हैं। कहा यह निश्चित नहीं है कि यह राधा है ये श्याम है। तो उनका भाव यह था कि श्याम में जब राधा रूप दिख जाए और राधा में श्याम रूप दिख जाए तो समझ लो कि दर्शन हो गया, इसका नाम दर्शन।
ऐसे विग्रह तो आंखों से दिखते ही है, लेकिन जब ऐसा झलक आंखों के सामने से केवल एक क्षण के लिए निकल जाए तो समझो कि दर्शन हो गया। इसका नाम दर्शन। यही बात यहां कह रहे हैं कि मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ, जो बात शास्त्री स्वामी ने कहा वो बात यहां पर कह रहे हैं कि नेत्र वही सार्थक हैं जो भगवान के स्वरूप का दर्शन करें। इसके बाद और भी बात बहुत सारी कही उन्होंने अम्बरीश जी, और ये केवल अम्बरीश जी ये बात कहते नहीं थे, जैसा वो कहते थे वैसा व्यवहार भी था उनका। उनका जीवन केवल भगवान को समर्पित था, निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान की पूजा करना, मन के द्वारा भगवान का चिंतन करना। कहा राजा होकर के सप्तदीपवती पृथ्वी के राजा थे, लेकिन फिर भी कभी संसार को हृदय में नहीं आने दिया, केवल भगवान को बसा करके रखा। उनका बड़ा लंबा चरित्र है, सबको पता है दुर्वासा ऋषि को कैसे उन्होंने, तो इस तरह से वो समया भाव से हम नहीं कह रहा हूं, सबको पता ही है। लोगों की इच्छा है कि जल्दी भगवान का प्राकट्य हो, आज इसके लिए सारे लोग हैरान। अब पहले भगवान राम का प्राकट्य हो जाए, उसके बाद फिर कृष्ण का प्राकट्य। चलो एक भजन राम का प्राकट्य आप करा दो, फिर हम उनकी कथा सुना दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कारी हर्ष दे महुदारी मनोबल हारी अद्भुत रो Yeah।
बाजे बधैया
हर घर में है चारों भैया अवध में बाजे बजैया, घर में चारों भैया बाजे बजैया, घर में है चारों भैया बाजे बजैया, घर में है चारों भैया अवध में बाजे बजैया, तस्मात्कृतुस्रवा अजस्ततो महाराजस् तस्मादसरतो भवतो। श्री सुखदेव जी कहते हैं इसी सूर्य वंश में आगे चल के राजा खटवांग हुए, जिनकी कथा आपने श्रवण कर लिया कि ढाई घड़ी में मुक्त हो गए थे। खटवांग के पुत्र दीर्घ बाहु रघु हुए, खटवांग का एक नाम राजा दिलीप भी था। इनके पुत्र हुए दीर्घ बाहु रघु, कहते हैं ये बड़े ही पराक्रमी थे, बड़े वीर थे, इसीलिए इस कुल को रघुकुल के नाम से कहा जाने लगा। उनके पुत्र हुए पृथुस्रवा अज, अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ, और दशरथ के घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही चार रूपों में अवतरित हुआ। जिसमें भगवान राम पूर्ण ब्रह्म थे, भरत जी साक्षात विष्णु के अवतार थे, लक्ष्मण साक्षात शेषावतार थे, और शत्रुघ्न ब्रह्मा के अवतार थे। तो चार रूपों में जो है साक्षात परब्रह्म परमात्मा का अवतार हुआ। देखो कथा भगवान की बड़ी प्रसिद्ध है। भगवान दशरथ के जो है तीन रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। देखो ऐसा कई जगह पढ़ने में मिलता है कि रानियों में बड़ी तो सुमित्रा थी और आयु में बड़ी कौशल्या थी। कहते हैं पहले कौशल्या के साथ में राजा दशरथ का विवाह होना निश्चित हुआ। राजा दशरथ भी बारात लेकर के पहुंच गए कौशल प्रदेश, लेकिन रावण को यह पहले से ही पता था कि कौशल्या और दशरथ से जो पुत्र होगा उसी के द्वारा हमारा वध होगा, ये बात पहले से पता थी उसको। उसने मन में विचार किया यदि इनका विवाह ही ना हो तो संतान नहीं हो सकती, और नहीं होगी तो हमारी मृत्यु कैसे होगी। ऐसा विचार करके पहले उसने कौशल्या का हरण कर लिया। रावण ने सीता का ही हरण किया था, ऐसी कोई बात नहीं। उसने पहले महारानी कौशल्या, उसमें रानी नहीं थी वो, कौशल्या का हरण किया था। बारात दरवाजे पर है और कन्या का हरण हो गया, यह बात कौशल नरेश को लगा कि अब इससे हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हम समाज में अपना मुख नहीं दिखा पाएंगे। तो उन्होंने ये बात छुपा लिया कि हमारी कन्या का हरण हो गया है और सुमित्रा के साथ विवाह करना निश्चित कर लिया। इधर रावण ने हरण करके कौशल्या को लेकर के गया, और वन में एक कुआं था, सूखा कुआं, उसी कुएं में जो है गिरा दिया और लंका चला गया।
इधर कोसल नरेश ने दशरथ को ये बात बताई नहीं कि हमारी पुत्री का हरण हुआ और सुमित्रा के साथ दशरथ का विवाह कर दिया। विवाह के बाद विदाई हुई, वापस अयोध्या के लिए ये सब जब चले तो संयोग कहिए या प्रभु की कृपा देखिए, जहां पर कौशल्या को कुएं में गिराया था रावण ने, वहीं पर दशरथ ने पड़ाव डाल दिया। और पालकी में, जिस पालकी में सुमित्रा जी बैठ के जा रही थी, उस पालकी को कुएं के ऊपर, कुएं के बाहर एक पक्का सा बनाते हैं, उस पर लोग खड़े होते हैं, उसको हमारी भाषा में जगत कहते हैं। तो जो कुएं के बाहर जगत बनाया गया था उसी पर पालकी रख दी गई। राजा दशरथ ने कहा कि यहीं पास में नदी है और तुम लोग जो लोग पानी पीना हो, नहाना हो, संध्या करना हो, अपने अपने कार्य कर लो। जब बराती लोग नदी की ओर चले गए तो इधर सुमित्रा रोने लगी। उसकी जोर से रोने की आवाज सुन करके दशरथ जी आए और कहा, अब क्यों रो रही हो, बहुत दूर वहां से आ गई हो, अब क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ। तब धीरे से सुमित्रा रो करके कहा, यहीं कहीं से हमारे बहन की रोने की आवाज आ रही। वो आवाज कौशल्या की पहचान गई कि हमारे बहन की आवाज है। अब कुएं में वो रो रही थी और बाहर पालकी थी, तो कहा, यहीं कहीं से हमारी बहन के भी रोने की आवाज आ रही। तो कहा, कौन बहन? कहा, कौशल्या थी। दशरथ ने कहा, कौशल्या, तो तुम कौशल्या नहीं हो क्या? कहा, नहीं, हम सुमित्रा हैं, उनकी छोटी बहन। तो कहा, हमारा विवाह तो कौशल्या से हो रहा था, तो बता दिया उन्होंने कि कौशल्या का हरण हो गया और लोक लज्जा के भय से पिता ने हमारे साथ विवाह कर दिया आपका, लेकिन कौशल्या बहन यही रो रही है कहीं। ऐसा जब कहा तो दशरथ ने ध्यान से सुना तो कुएं से रोने की आवाज आ रही थी। दशरथ ने प्रयास करके और उस कुएं से कौशल्या को बाहर निकाला और निकालने के बाद कौशलपुर वापस भेजा नहीं और सीधा उसी पालकी से लेके अयोध्या आ गए थे। तो कौशल्या के साथ अयोध्या में जो है दशरथ का विवाह हुआ। तो विवाह पहले चूंकि सुमित्रा के साथ में हुआ था, इसलिए रानियों में बड़ी सुमित्रा, लेकिन आयु में बड़ी कौशल्या थी और सबसे छोटी कैकेयी थी। सबको पता है कि पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया सिंह ऋषि के द्वारा और खीर के माध्यम से ये चारों भाइयों का जन्म हुआ। सुमित्रा के दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, कौशल्या के एक पुत्र भगवान राम और कैकेयी के भरत। ये चारों भाई अभी थोड़े बड़े हुए थे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त किया और उसके बाद इधर विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को लेने के लिए आ गए। देखो कथा सबको पता, इसलिए हम बहुत संक्षेप करके कहेंगे। भगवान कृष्ण का प्राकट्य करना है, सब लोग भगवान कृष्ण के लिए उतावले हो रहे। तो यद्यपि दशरथ जी नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी विश्वामित्र के मांगने पर जब वशिष्ठ ने कहा तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वहां भगवान राम ने जो है ताड़का सुबाहु का वध कर दिया। मारीच को बिना फण के बाण मारा तो समुद्र से पार जाके गिरा। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ पूर्ण हुआ, उसके बाद विश्वामित्र ने कहा, एक यज्ञ और हो रहा है, वहां भी चलना है। कहा, 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 मिथिला में कौन सा यज्ञ? कहा, धनुष यज्ञ हो रहा है। दोनों भाइयों को लेकर के विश्वामित्र मिथिला पहुंचे, वहां धनुष यज्ञ चल रहा था। जब जनक जी ने भगवान राम को देखा,
देखो यहीं से यह पता लगता है कि निर्गुण की अपेक्षा सगुण में बड़ा सामर्थ्य है। कि जाओ, तुलसीदास जी लिखते हैं, इन्हें बिलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। क्या हुआ? कहा जब भगवान राम को देखा जनक जी ने, यद्यपि उनका मन निरंतर ब्रह्म में लगा रहता था, परम ब्रह्म में डूबे रहते थे, लेकिन भगवान राम को देखते ही बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। निर्गुण ब्रह्म से मन खींच करके राम में लग गया। अब जहां धनुष यज्ञ चल रहा था वहां पहुंचे। देखो एक बात हम अपनी कह रहा हूं, हमको कथा तो सब अच्छी लगती है भगवान की, लेकिन दो कथा बहुत अच्छी लगती। कौन सी? जहां जीव और परमात्मा का मिलन होता है ना, वो बहुत अच्छी लगती है कथा। और जहां प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है, वो कथा बहुत अच्छी लगती। हाँ, अब यहां जरा देखिए, भगवती परांबा सीता और जो साथ साथ प्रकृति स्वरूपा है, महामाया है, उनका और भगवान राम का जो परब्रह्म परमात्मा है मिलन होने जा रहा है, इसको जरा एक बार देखें। कहते हैं जब वहां धनुष यज्ञ चल रहा था, भगवान राम विश्वामित्र के कहने पर गए सहज भाव से और धनुष बिना प्रयास के उठा लिया, और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाना चाहा धनुष टूट गया। इधर बहुत सारी सखियों के बीच में भगवती सीता हाथ में जयमाल लेकर के वहां पहुंच गई जहां पर भगवान राम खड़े थे। अब इस दृश्य को जरा देखिएगा भाव में। जब भगवान राम के गले में माता सीता जयमाल डालने चली तो उस समय आकाश में सारे देवता विमान पर आगे बैठ गए, देवियों के साथ में भगवान शिव आ गए, ब्रह्मा आ गए, कार्तिकेय गणेश आ गए, सारे के सारे देवता जो है आकाश में विमान पर बैठ गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी मुस्करा रहे हैं, अपने जीवन को धन्य मानने लगे कि आज इन चार चार नेत्रों से हम ऐसा सुंदर रूप निहारेंगे। वो दृश्य देखेंगे जब भगवती सीता जयमाल डालेंगी। उनको देखकर कार्तिकेय जी मुस्कराए ब्रह्मा को कि तुम तो चार नेत्रों से देखोगे और हम देखेंगे 12 नेत्रों से। कार्तिकेय के छामुख है ना, तो नेत्र 12 हो गए। तो कहा कार्तिकेय जी मुस्कुरा करके देखते हैं ब्रह्मा की ओर कि तुम तो 4 नेत्र से देखोगे और हम 12 नेत्र से देखेंगे। भगवान शिव ने कार्तिकेय की ओर देखा, मुस्कुराए कि तुमसे श्रेष्ठ हम, तुम तो 12 नेत्रों से देखोगे और नयन 15 अति प्रिय लागे। जिन नेत्रों से कामदेव को भस्म कर दिया था, आज वो नेत्र भी भगवान ने खोल दिया। कहते हैं नयन 15 अति प्रिय लागे, आज हम 15 नेत्रों से निहारेंगे। हाँ। तब तक भगवान शिव की तरफ इंद्र ने देखा, मुस्कराया, आज पुरंदर सम को उदाही। क्यों? गौतम ऋषि के श्राप से इंद्र के 1000 नेत्र हो गए थे, आज वो कहने लगा कि वो हमारे लिए बर हो गया और 1000 नेत्रों से ऐसा रूप निहारेंगे। सारे देवता देवियां अपने पलकों को पकड़ रखा है ऐसे, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि सीता जी जयमाल डाल दे और उस समय पलक गिर जाए और हम देख ना पाए, इसलिए अपने हाथों से पलकों को पकड़ रखा है। अब बड़ी बेचैनी से देखने के लिए आतुर हो रहे हैं। उस समय सीता जी वहां पहुंची, हाथ में जयमाल लिए। सीता जी की आयु कम थी,
आयु में कम थी इसलिए छोटी भी थी, और भगवान राम आयु में भी बड़े थे इसलिए लंबे भी थे और चौकी पर भी खड़े थे। दूल्हा को चौकी पर खड़े करते हैं, तो चौकी पर भी खड़े थे तो सीता जी जयमाल ऐसे किया लेकिन पहुंच नहीं पाई। तो धीरे से सखियों ने कहा, 10,000 सखियां थी साथ में, धीरे से भगवान राम से कहा जनक जी का धनुष तोड़ करके तुमने जनक जी का बड़ा संताप मिटा दिया, बस थोड़ा सा एक कार्य और कर दो, सिर झुका दो, ताकि हमारी ये सखी जो बड़ी ही सुकोमल है आपके गले में जयमाल डाल सके। भगवान राम ने कहा, देखो हम रघुवंशी हैं, हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशियों का सिर कभी झुकता और वो भी ससुराल में झुक जाए, ये कभी नहीं हो सकता। हाँ, ससुराल में तो झुक ही नहीं सकता। अब जब भगवान राम की तरफ से निराश हो गई तो लक्ष्मण के पास सखियां गई, कहा भैया लक्ष्मण तुम ही अपने भाई से कह दो, आपके तो बड़े भैया हैं ना, आप इनसे कह दो थोड़ा सा सिर झुका लें ताकि हमारी सखी जयमाल डाल सके। लक्ष्मण ने कहा, अरे सखियों कह क्या रही हो, ये साक्षात ब्रह्म है, होने वाले अयोध्या के राजा हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अगर हम सिर झुकाने के लिए कह देंगे, आदेश दे देंगे तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी, रामायण जैसी मर्यादा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, कहीं मिलेगी नहीं ऐसी मर्यादा। लक्ष्मण ने कहा, यह मर्यादा नष्ट हो जाएगी, हम बड़े भाई को कैसे ये बात कह सकते हैं, सिर झुका लो, कैसे आदेश करेंगे।